अब जरा देखो यहाँ पे क्या बताया गया, रेडियल सिमेट्री, परिसममिति। यहाँ पे शारीरिक संगठन है एब्सेंट होता है, एसिमेट्रिकल है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म की एक बूंद है, जब ये चलता है तो चलने के टाइम पर क्या करता है कि अपना पॉस्चर चेंज करता है, और हम लोग जब चलते हैं तो चलने के टाइम पे अपना पॉस्चर चेंज नहीं करते, एक ही पॉस्चर पे चलते हैं। सबको चलना है उठ के ही चलेगा, सबको चलना है पैर से ही चलेगा, ऐसा नहीं कोई हाथ से चलेगा कोई लेट के चलेगा। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर हम किसी ऑर्गेन को केंद्र, यानी मेरा नॉवेल, और यहाँ से लेके यहाँ तक, केंद्र से त्रिज्या हो गई, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या हो गई, केंद्र और त्रिज्या से कट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लोग अरिसममिति की क्या डेफिनेशन लिखेंगे, अगर सेक्शन केंद्र और त्रिज्या, केंद्र और त्रिज्या से होकर जाए, त्रिज्या से होकर जाए और एनिमल एनिमल के कई बराबर भाग कटे, एनिमल कई बराबर भागों में कट जाए, कई बराबर भागों में कट जाए तो उसको कहते हैं अरी सम्मिति। बात समझ गए? अगर सेक्शन, जी जैसे एक एप्पल लेके आए उसका केंद्र और त्रिज्या देख लिया, केंद्र और त्रिज्या से काट रहे हैं, सेक्शन केंद्र और त्रिज्या को पार करना चाहिए और एनिमल कई बराबर भागों में कट जाए, तो ऐसी सिमेट्री को हम लोग रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होगी? अमीबा को छोड़ के एग्जाम्पल इसका फाइलम प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलनट्रेटा, सीलनट्रेटा। बात समझ गए? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलनट्रेट लिखिए, लिखो लिखो। ले लिया एसएस? यस मैम ले लिया स्क्रीनशॉट? जी हो गया ना? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? किसी को जी कोई प्रॉब्लम है? जी ये इतनी बात समझ में आ गई? यहां से कॉन्सेप्ट नो बिल्कुल समझते चले जाना, क्यों? क्योंकि अगर ये चीजें आज जो पढ़ी है वो कल सुनाना है, ये ध्यान में रख के पढ़ना, क्योंकि पहले हम क्या पढ़ाया है पीछे वो पहले आगे पूछेंगे, उसके बाद लेक्चर आगे बढ़ेगा। अब जरा देखो, बायलैटरल सिमेट्री आ गई। दूसरी सिमेट्री क्या आ जी गई? बायलैटरल। इसको बायलैटरल को द्विपार्श्व सममिति बोलते हैं। द्विपार्श्व, एक्चुअल में हिंदी तो हम पढ़ लेते हैं, द्विपार्श्व की हिंदी का मतलब जानते हैं कि द्विपार्श्व सममिति हमने कही तो है, लेकिन एक्चुअल में द्विपार्श्व का मतलब क्या है जानते हैं? मतलब ये तो हमने याद कर लिया कि द्विपार सम्मिति फलाना ढिमकाना, बाइलेटरल का मतलब हमने अभी समझाया शाब्दिक अर्थ में, और द्विपार्श का मतलब आप लोग पढ़ के आए हो 11th में, तो द्विपार से वहां क्या मतलब समझ गए थे, किस चीज से मतलब समझ गए थे कि द्विपार्श का मतलब यही होगा? देखो, बाइलेटरल का मतलब होता है बाई का मतलब होता है टू, लेटरल का मतलब होता है राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। अगर हम एनिमल को काटें केंद्र त्रिज्या से, एनिमल के दो बराबर भाग कटे, एनिमल को अगर हम काटे केंद्र त्रिज्या से, एनिमल के दो बराबर भाग कटे, तो ऐसी सिमेट्री को हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। बाई का मतलब दो और लेटरल का मतलब राइट और लेफ्ट। मतलब हमको वर्ड मीनिंग से जी बायो को याद करना है, कि याद कर लिया द्विपार्श्व तो जान गए थे कि द्विपार्श्व इसकी हिंदी होती है, लेकिन द्विपार्श्व का मतलब क्या होता है ये नहीं जानते। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यदि सेक्शन केंद्र और त्रिज्या से होकर जाए, केंद्र और त्रिज्या से होकर जाए और जो है केंद्र और त्रिज्या से होकर जाए और जो जंतु है, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना है, सेक्शन मस्ट बी पैरेलल टू द लेटरल साइड, पैरेलल टू द लेटरल साइड। अब इसका क्या मतलब है, ये ध्यान रखना है सेक्शन को कि सेक्शन समानांतर हो लेटरल साइड के, सेक्शन समानांतर हो लेटरल साइड के। बात इतनी समझ में आ गई? बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई?
हमने क्या कहा, बायलैटरल सिमेट्री यदि सेक्शन केंद्र और त्रिज्या से होकर जाए, यानी लाइक दिस वे सेक्शन कट जाए और दो बराबर भाग कट जाए जंतु के, तो ऐसी सिमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं, द्विपार्श्व सममिति बोलते हैं, यानी बायलैटरल सिमेट्री। अब थोड़े समय के लिए हम द्विपार्श्व भूलकर बायलैटरल को याद करें तो याद होने लगेगा, बात समझ गए। अगर हम थोड़े समय के लिए द्विपार्श्व को भूल जाएं और बायलैटरल को वर्ड मीनिंग से याद करने की कोशिश करें तो हमको इजी गोइंग तरीके से याद हो जाएगा। बाई यानी टू और लैटरल यानी राइट एंड लेफ्ट, सेक्शन कट करना है इक्वल, यानी अगर हमको हम जिए या मरे हमको कट करना है सेंटर और रेडियाई से, हमारे दो बराबर भाग कट जाएंगे। हार्ट में चार चैम्बर है, दो चले जाएंगे दो रह जाएंगे, हाथ इधर चला जाएगा पैर इधर चला जाएगा, हाथ इधर भी आ जाएगा पैर इधर भी आ जाएगा, एक आंख चली जाएगी एक आंख इधर आ जाएगी, नॉस्ट्रिल इधर चला जाएगा, हम लोगों के 32 टीथ हैं तो 16 इधर चले जाएंगे 16 इधर चले जाएंगे, बराबर कट जाएंगे। और उसके बाद हम लोगों के पास कटने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, अगर तुम ऐसे काट दो तो कोई मतलब तो है नहीं, अगर ऐसे काट दिया तो पैर नहीं जाएगा, ऐसे काट दिया तो हाथ नहीं जाएगा, बात समझ गए, इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। सेक्शन कट जाए और साकिब और एनिमल दो बराबर भागों में, समझ में आ रहा है ना, कल ये याद हो जाए, समझ में जितना आ रहा है वो कल याद हो जाए, नहीं तो उड़ाएगा पहले तुम लोग। अरे वेरी गुड, देखो दो बराबर भागों में कट जाए जंतु जो है, दो बराबर भागों में कट जाए तो ऐसी सममिति को कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। एग्जांपल क्या लिखते हैं इसका, एग्जांपल हम लोग लिखना शुरू करते हैं प्लेटी हेलमेंथीस से, प्लेटी हेलमेंथीस फाइलम से लेकर अप टू द कॉर्डेटा तक, टू द कॉर्डेट्स तक, यानी कॉर्डेटा हम लोग आ गए, हम लोग कुत्ता बिल्ली गाय भैंस सब कॉर्डेट्स में आ गए, जितने भी कॉर्डेट हैं सबके पास बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, जितने भी एनिमल्स हैं ऑल एनिमल्स में बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। सिमेट्री वाली बात क्लियर हो गई, टॉपिक कंप्लीट हुआ, सिमेट्री वाली बात क्लियर हो गई। सिमेट्री का मतलब प्लान ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान नहीं है, एसिमेट्रिकल है तो रेडियल और बायलैटरल, केंद्र त्रिज्या से जाए कई बराबर भाग कट जाए तो रेडियल, दो बराबर भाग कट जाए तो बायलैटरल, बात समझ गए। उदाहरण हम लोग को याद करने हैं, एग्जाम्पल। अब हम लोग बेटा देखेंगे डेवलपमेंट यानी विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो जरा देखो हम लोग जब डेवलपमेंट करते हैं तो हमारे पास दो प्राणी हैं, एक है मेल और दूसरा है फीमेल, तो मेल बनाएगा मेल गैमीट, फीमेल बनाएगी फीमेल गैमीट, आइडिया ऑफ हो गई आपकी, भाई तू भी म्यूट हो गए। देखो यहाँ पे क्या है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल यहाँ पर है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दो के नाम से है, मेल गैमीट का नाम है स्पर्म और फीमेल गैमीट का नाम है ओवम, और स्पर्म को बोलते हैं हम लोग शुक्राणु और ओवम को बोलते हैं अंडाणु, बात समझ गए, इतनी बात समझ में आ रही है, आ रही है ना। जब ये दोनों मिले, ये दोनों फ्यूज किए, फ्यूज किए तो प्रोसेस कहलाए निषेचन, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग निषेचन नहीं याद रखेंगे, अब हम लोग याद रखेंगे फर्टिलाइजेशन, अब हम लोग किसी से बोलेंगे भी नहीं निषेचन विषेचन, क्यों, क्योंकि हमको आगे फ्यूचर में जाकर जब डॉक्टर बनना है तो ये हमसे कौन पूछेगा, वो भी हिंदी कौन पूछेगा, समझ रहे हो ना, बुक वहां पर बुक आएंगी इंग्लिश की, वहां पर सारी बुक्स होंगी इंग्लिश की, तो हमको पढ़ना है तो धीरे धीरे यहीं से पढ़ना शुरू करोगे तो आदत पड़ने लगेगी, बात समझ गए। मेल गैमेट स्पर्म फीमेल गैमेट ओवम दोनों फ्यूज करे, प्रोसेस कहलाई फर्टिलाइजेशन, बनने वाला हो गया जायगोट, जायगोट को हिंदी में कहते हैं युग्मनज, अगर युग्मनज नहीं याद करोगे अब, अगर जायगोट बोलने में टफ लगता तो ये जो बोल रहे हो वही लिख लो हिंदी में, बस समझ गए, जो बोल रहे हो वही हिंदी में लिख लो, अगर बोलने में स्पेलिंग में टफ लगता है तो जो जायगोट बोल रहे हो आप उसको हिंदी में ऐसे लिख लो, तो ये मतलब पता है याद हो जाएगा, बस समझ गए, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, कितनी बात समझ में आ गई, लीजिए एसएस हो गया, हो गया साकिब,
यस मैम हो गया स्क्रीनशॉट ले लिए यस 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 रब कर रहे हैं हम जी कर दीजिए यस ले लेना यहाँ पे सुविधा के लिए हम कह रहे हैं कि ले लो एसएस और एक्चुअल में करना क्या है कि कॉपी में बैठ के जब एक बार लिखोगे ना तो दो बार रिवीजन हो जाएगा अपने आप थोड़ा जरा जल्दी कोर्स भी कंप्लीट होगा ठीक है अब जरा देखो यहाँ पे बन गया था जायगोट बन गया था जिसको हम लिखेंगे जायगोट अगर हमको लिखना है ऐसे तो लिख लेंगे जायगोट में होने वाला डिवीजन कैसा हुआ क्लीवेज जायगोट में होना डिवीजन कैसा हुआ क्लीवेज जायगोटिक डिवीजन का नाम है क्लीवेज हाँ क्लीवेज बस समझ गया क्लीवेज ये जायगोटिक डिवीजन का नाम है क्लीवेज ठीक है समझ गए क्लीवेज क्लीवेज इसका नाम है ये होता है समसूत्री विभाजन ये जायगोट में जो डिवीजन होता है उस जायगोटिक डिवीजन का नाम है क्लीवेज जायगोटिक डिवीजन का नाम है क्लीवेज ठीक है और ये समसूत्री विभाजन होता है समसूत्री विभाजन होता है बस समझ गए समसूत्री विभाजन का मतलब होता है माइटोटिक डिवीजन कैसा होगा माइटोटिक डिवीजन यानी इसमें जैसी पेरेंट होगी वैसी ही डॉटर होगी जैसी पेरेंट होगी वैसी ही डॉटर होगी बात इतनी समझ में आ गई जायगोट मोनोहाइलर डिवीजन को क्या कहते हैं क्लीवेज जायगोट मोनोहाइलर डिवीजन को अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा जायगोट में कौन सा डिवीजन होता है तो बताओगे क्लीवेज अब ये बताओगे जायगोट में जो क्लीवेज होता है वो किस टाइप का डिवीजन है तो बताओगे माइटोटिक डिवीजन अगर कोई पूछता है माइटोटिक डिवीजन किस टाइप का डिवीजन है तो ये है समसूत्री विभाजन इसका मतलब होता है कि जैसी पेरेंट होगी वैसी ही डॉटर बनेगी जैसी पेरेंट होगी वैसी ही डॉटर बनेगी बस समझ गए यानी अगर हम n है तो n बनाएंगे 2n है तो 2n बनाएंगे ये n और 2n का मतलब समझे अगर हम अगुणित हैं यानी अनपेयर्ड हैं तो अनपेयर्ड बनाएंगे अगर द्विगुणित हैं यानी पेयर्ड हैं तो हम पेयर्ड बनाएंगे बस समझ गए इसका मतलब होता है पेयर्ड और इसका मतलब होता है अनपेयर्ड अब ये अगुणित भूल जाना पेयर्ड अनपेयर्ड याद रखना समझ गए बस समझ गए ना जी अब जरा देखो क्लीवेज जब हो रहा था तो क्लीवेज का मेन एम था नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाना ठीक हमें कोशिकाएं बढ़ानी है गुणसूत्र कम नहीं करने हैं कोशिकाएं बढ़ानी है हमको गुणसूत्र कम नहीं करने हैं कोशिका बढ़ जाए शरीर बढ़ जाएगा यानी पहले कोशिका बनेगी फिर ऊतक बनेगा फिर अंग बनेगा फिर अंग तंत्र बनेगा तो इन्होंने क्या बोला कि जो यहाँ हम लोगों का नंबर ऑफ सेल्स बढ़ानी है तो क्लीवेज पहला फर्स्ट क्लीवेज हुआ होलोब्लास्टिक होलोब्लास्टिक इक्वल होलोब्लास्टिक का मतलब होता है एप्पल को लेके आओ पूरा काट दो अगर संपूर्ण यानी कंप्लीट काट दो तो होलो का मतलब कंप्लीट ब्लास्टिक का मतलब केंद्र से किसी गोलाकार चीज को काटना होलोब्लास्टिक और इक्वल का मतलब समान हो दोनों समझ गए तो एक मिनट के लिए हम ले आए एक एप्पल को ही ले आए एज्यूम करने के लिए हमने इस एप्पल को ऐसे पकड़ा और जहां पे उसका पेटियोल होता है वहीं पे सेंटर है मान के चले अगर हमको हम दोनों लोगों को बराबर एक शेप का दो बराबर भाग करना है तो हमने नाइफ रखा पूरा कट कर दिया और लेकिन कट करने में एक बात का ध्यान रखना कि ये सेल अलग अलग ना हो जाए हमको बीच से ही नाइफ को निकाल लेना है सेल जुड़ी रह जाए ठीक है तो जब हम एप्पल को ऐसे पकड़ के यूं काटेंगे कभी हम एप्पल को पकड़ के ऐसे तो काटते नहीं जब भी हम फ्रूट्स काटते तो ऐसे काटते ना अपने हम लेकर ऐसे काटते हैं उसके बाद ऐसे घुमाकर काटते हैं तो जब हम पहला डिवीजन ऐसे काटेंगे तो ना आपको दिखेगा ना हमको दिखेगा किसको जो अगल बगल बैठा होगा एप्पल ऐसे जुड़ा रखा है तो अगर आप इधर से देख रहे हो तो आपको नहीं पता चलेगा कि एप्पल कटा है हम इधर से देख रहे हैं तो हमको भी नहीं पता चलेगा लेकिन जो इधर से देख रहा है उसको पता है कि एप्पल कटा हुआ रखा है बात समझ में आ रही है ना इतनी बात समझ में आ रही है तो जरा एक बात बताओ कि अगर जायगोट ये एक सेल है और इसको पहले डिवीजन ने काट दिया होलोब्लास्टिक इक्वल
तो आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म्ड, कितनी सेल्स बन जाएंगी? दो. दो बनेंगी जी. बात समझ में आ रही ना सबको? दो सेल्स बन गई, ठीक. और दो सेल्स हैं कैसी? इक्वल. इक्वल दो सेल्स हैं कैसी? इक्वल है, बराबर है. फिर आए हम लोग दूसरा क्लीवेज, जो पॉइंट नहीं है, ये फर्स्ट क्लीवेज का टाइप है. फर्स्ट क्लीवेज, सेकेंड क्लीवेज हुआ. सेकेंड क्लीवेज हुआ. एक्चुअल में क्लीवेज वर्ड हम लोग लगाते हैं, क्लीव का मतलब होता है डिवीजन. समझ गए? बात समझ लो. हमने, अगर हम यहाँ कहते हैं कि जायगोट डिवाइडेड बाय माइटोटिक डिवीजन, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है. एक्चुअल में क्लीवेज है माइटोटिक डिवीजन, लेकिन जायगोट में जो डिवीजन हो रहा है उसको हम कुछ स्पेसिफाई तरीके से वर्ड यूज करना चाह रहे थे, क्योंकि एक गोल सेल थी उसको काट, तो हमने यहाँ पे क्लीवेज कह दिया. तब हमने यहाँ पर इसको क्लीवेज कह दिया. बात इतनी क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई ना सब? उसके बाद जरा देखो, सेकेंड क्लीवेज हुआ. सेकेंड क्लीवेज हुआ, ऐसे पकड़े हुए एप्पल को, ये कट चुका है. परपेंडिकुलर टू फर्स्ट, परपेंडिकुलर टू फर्स्ट होलोब्लास्टिक इक्वल, यानी पहले पे लंबवत, पहले पे लंबवत. तो कितनी सेल्स बन गई? दो आगे और दो पीछे, चार सेल बन गई. अब अगर हम एप्पल को यूं घुमा दें आपकी तरफ, तो आपको कितनी सेल दिखाई देंगी? चार दिखाई देंगे ना, ऐसे और ऐसे चार दिखाई देंगे. समझ गए? बात इतनी सबको समझ में आ रही ना? साकिब. यस मैम. समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है. अगर नहीं आया ना, कल हमको समझाना है इसी को. हमें समझाना आपको, आपको समझाना हमें, जैसे हमने समझाया आपको. जब एक बार समझा लोगे तो अपने आप लर्न हो जाएगा. मैं अभी समझा देते. चलो बढ़िया बात है, अच्छा है, समझा दो अभी. लेकिन कॉपी देख के नहीं समझाना. देखो, फर्स्ट क्लीवेज हिडन है क्योंकि दिखेगा नहीं, हिडन ना. सेकंड दिख रहा है, और यहाँ पे आप लोगों का नीट में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा क्लीवेज. आप 32 सेल स्टेज में कितने डिवीजन होते हैं? पांच डिवीजन होंगे. पांच डिवीजन दिख नहीं रहे, दिखेंगे चार, होंगे पांच. तो कौन सा डिवीजन छिपा है? पहला, पहला ही डिवीजन छिप गया है. बात समझ गए? दो सेल आगे, दो पीछे. थर्ड क्लीवेज हुआ, थर्ड क्लीवेज हुआ ट्रांसवर्स. ट्रांसवर्स, थर्ड क्लीवेज हुआ ट्रांसवर्स. तो ये कैसा हो गया? ऐसे हो गया, यूं. बस समझ गए? यानी एप्पल को ऐसे पकड़े हुए हैं और 20 से ऐसे काट दिया, ट्रांसवर्स अनप्लस काट काट दी. बस समझ गए? तो चार ऊपर हो गई, चार नीचे हो गई. जी. हो गई. कितनी सेल्स बन गई? आठ सेल्स. कितनी हो गई टोटल? टोटल आठ हो गई. तो आफ्टर थर्ड डिवीजन